चलें जी ये स्ट्रेटनर ना इकट्ठे ट्राई करते हैं जो मैंने दराज से मंगवाया था, ये वाला देखिए मैंने माल किया है। जो लोग डॉलेंस का पूछ रहे थे ना आपकी, आपको ग्रीन स्ट्रेटनर क्यों नहीं अच्छा लगा, स्ट्रेट उससे बहुत अच्छे हो जाते हैं, जब कर्ल की बारी आती है ना उसके टोंग को हम ट्विस्ट करते हैं तो यहाँ पे उसके बटन्स लगे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पार्ट है, बार बार बटन पे क्लिक हो रहा होता है जिसकी वजह से कर्ल्स करने बड़े मुश्किल होते हैं उसके साथ। जिसको बटन्स प्रेस होने का कोई इशू नहीं है वो फिर ले ले, ओहो तारी उतर गई। दाइम आप क्या कर रहे हो, चलो सोफे के ऊपर बैठ के उसने शीख कर दिया। उफ बैठ कैसे यस वी आर बैक। अच्छा जी ये देखें पैसों के लिहाज से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग बालों को चेक करें, थोड़े से इधर से भी करके दिखाती हूँ। एक मिनट भाई ऐसे और जो आप लोग उस दिन रोलर का पूछ रहे थे ना वो कहाँ से लिया है वो भी आपको नेक्स्ट स्टोरी में दिखाती हूँ। उसका रिव्यू मैं तब दूंगी जब मुझे प्रॉपर उसे करने आ जाएंगे, अभी मुझे ना उस पर ग्रिप नहीं है इतनी ज़्यादा, अभी इतने बाल हैं इसको नहीं अपने करने। वैसे आज मैंने करने नहीं थे बाल, से स्ट्रेटनर के लिए ना मैंने हाँ जी अब ये चेक करें, मैंने बहुत दबा के स्ट्रेट नहीं किए, ये बाकी रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। जो इसकी प्राइस है 2200 है, जो उस दिन मैंने कर्लन मंगवाया था इसकी प्राइस है जी 96,000। ये है जी इसकी तार इतनी लंबी है कि हम फैसलाबाद तार लगा के लाहौर में कर्ल्स कर सकते हैं, सारे पैसे इसकी तार के हैं। अच्छा ये हमने बस स्विच पे लगा देने, ये देखें जी ये इसका बटन है और ये हो जाएगा स्टार्ट। अब मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाती हूँ 2200 और 96,000 का, कोई ख़ास नहीं है अगर बालों को करने का तरीका आता हो, वैसे बस चुल होते इंसान ले लेता है बाकी और कोई मसला नहीं है। अभी गर्म नहीं होना शुरू हुआ, चलें जी गर्म हो गया। अच्छा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे जो मैंने दो दफ़ा यूज़ किया ना मुझे ये है, जब एक दफ़ा बाल हो जाते हैं ना दोबारा वो फ्रिजी नहीं होते, अच्छे ही रहते हैं। आप लोगों ने पहले बाल देख लिए थे ना, अस्सलामुअलैकुम, ये देखिए एक बार करके दिखाते हैं फटाफट, इधर से बाल स्ट्रेट जो नहीं हुए थे वो हो गए। जी अब खा ली है, उसके बाद ग्रीन टी का टाइम है, कौन सी पी जाए, यही पीते हैं, वैसे कल भी मैंने यही पी थी। जो लोग नूडल्स की रेसिपी का पूछ रहे हैं वो तो भी मुझे खुद नहीं पता, घोल घोल के मैंने सब कुछ बना लिया था, 8 out of 10 टेस्ट था, जब तक 10 out of 10 ही ना होगा तब तक रेसिपी नहीं बताऊँगी। ज़रा एक्सपेरिमेंट्स करके ज़रा ज़बरदस्त ही नूडल्स बनानी आ जाए ना सही कोरियन वाली फिर रेसिपी देती हूँ। अभी जी मैंने बनाए हैं ये चिली ऑयल रामेन नूडल्स सूपी, मतलब जो मर्जी इसको नाम दे दो, ये आप लोग इसका ये टेक्सचर चेक करें बहुत मज़ेदार है। इसके अंदर मशरूम्स डाले हैं, ये वाली ठीक है, ये वाली सॉस थी और ये है चिली ऑयल, ये 2 स्पून ये डालते हैं, बहुत ही मज़ेदार बने, ये चेक करें आप लोग गरम गरम अभी बना के हटी, मैं चाय पी रही थी वैसा आएगा।
उसके बाद जी एक मैंने ये ऑर्डर किया था, इसको भी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ करते हैं, ये देखते हैं जो सिलेंडर वाला चूल्हा है ना उसका, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, थोड़े से भी करके देखते हैं। चलो अब इसको एक मिनट लगा रहने देते हैं, फिर बिफोर आफ्टर यहाँ से और यहाँ से मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ, अगर अच्छे हुए तो फिर लिंक डालती हूँ। ये जी जो चूल्हे इतने चमकते हैं, आप लोग पूछते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं, अब आप लोग ये देखते हैं, ये लगा हुआ है ना नाजी, इधर से उतार के दिखाओ, वो पहले स्प्रे करो, एक मिनट स्प्रे करके इसको उतार लेते हैं, स्प्रे करो बस थोड़ा सा करना है, यहाँ से उतार के दिखा दो, अब दूसरे कुर्सी से साफ कर दो। एक मिनट कपड़े साफ कर दो, फाइनल साफ करके फाइनल कपड़े दिखाना, ये देखिए जहाँ पे स्प्रे किया था वहाँ से काला उतर गया, और स्प्रे की बॉटल भी दिखा दो कौन सी है नीचे। ये देखिए जी, ये है जी बच्चों की पहली सेल्फी जो उन्होंने 6-7 महीने पहले ली थी, इसको मैंने फ्रेम करवा लिया ताकि यादगार रहे, मेरे बच्चों की पहली सेल्फी है जो उन्होंने इकट्ठे खुद ली है, माशाल्लाह। लट मथे तो सवार दी साडी रूह जांदी हार दी, हो पागे अखां विच सुरमे नू ओह फिरदी शिंगार दी, ओ जदों हो साडे रूबरू साडी माड़ी सा। बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। क्या हाल चाल है सबका, कल की डबल क्लींजिंग स्टोरी के बाद बहुत लोगों को डाउट हो गया था कि डबल क्लींजिंग है क्या, किस तरह करते हैं आप भी और इसके क्या फायदे हैं। डबल क्लींजिंग है क्या, एक लाइन में बताऊंगी, अगर आपके बिला वजह दाने बन रहे हैं ठीक है, और बिला वजह आपके ब्लैक हेड्स आ रहे हैं नाक पे और यहाँ पे व्हाइट हेड्स आ रहे हैं नाक के, यहाँ पे बहुत ज्यादा ना वो ड्राइनेस हो रही है व्हाइट व्हाइट कलर के, जितना मर्जी लोशन लगा दे नाक के यहाँ से ड्राइनेस नहीं जा रही, तो डबल क्लींजिंग का टाइम हो गया है। आप लोग करके देखिएगा डबल क्लींजिंग, इतना कोई फर्क पड़ता है मुंह की हाइड्रेशन का भी, मुंह सारा दिन ग्लोई रहता है। ये जी ऑयल क्लींजर अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। अच्छा ऑयल क्लींजर जो मैं यूज करती क्लीन ब्यूटी का यूज करती थी, तो ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली टेस्टेड भी है, और इसके अंदर मतलब बहुत ही जबरदस्त है, हाई एंड को टक्कर दे रहा है, बल्कि हाई एंड से ये अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा उसके बाद मैं यूज ही नहीं की कर रही हूँ ग्लास स्किन, ये है जी क्लेरिफाइंग जेल क्लींजर। अच्छा ऑयल क्लींजर के इस्तेमाल के बाद दूसरा कोई भी आप लोगों ने क्लींजर लाजमी यूज करना है, ये नहीं कि सिर्फ आपने ऑयल क्लींजर करना है। जेल क्लींजर लिया, ये मैंने ऑनलाइन ब्रॉथ मंगवाया है, अभी मैं इसका लिंक नहीं लगा रही, पता नहीं किस तरह का है, मैंने अभी खोल के ये डाला है, दूसरा ये क्या डम्पलिंग्स बाहर निकाल ली हैं, नूडल्स मैंने बाहर निकाल ली हैं, टेस्ट करती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि हर वो बाहर जाके बंदा हॉट पॉट नहीं खा सकता ना कहीं से मंगवा सकता, अगर ये अच्छा हुआ तो मैं 10 इकट्ठे मंगवा लूँगी। चलो इसको फेंकते हैं, ये इस तरह आया बिल्कुल फ्रीज्ड है, आया तो लिक्विड फॉर्म में था लेकिन फिर मैंने फ्रीजर में रख दिया था। हाँ जी ये देखें जी, मैंने ना एक निकाल दिया था इसके अंदर से ब्रॉथ का, मुझे लग रहा था एक ही काफी होगा, वही बात हुई, अंदर डम्पलिंग्स डाल दी हैं, नूडल्स डाल दी हैं, थोड़े से मशरूम्स डाल दिए हैं, ठीक है, और अब जो ये वाला है ना ब्रॉथ एक्स्ट्रा, इसको मैं फ्रीजर में वापस रख दूंगी, ये एक ही काफी है, और अभी तक तो मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगा, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया,
फिर बताती हूँ आप लोगों को। इधर लिंक लगा रही हूँ, आप लोग इधर जाके देख लें। मीठे में कुल्फा बनाया मम्मा ने, उससे पन्ना कुल्फा है, फ्रीज करने के लिए रखा हुआ है 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद इतने ज़्यादा मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। अब इसका तो नॉर्मल टेस्ट है, पता नहीं क्यों सबके टेस्ट बड्स अलग होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। टेस्ट करो। मैं दूसरा वाले खाऊंगी जिस पे वेटर टेबल ना। इसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं है, डम्पलिंग्स है और नूडल्स है। मेरी डम्पलिंग नहीं खानी, सिर्फ नूडल डाल के आएगी। नूडल्स मेरी वो सिंपल है, उसमें मिर्च नहीं है। धो दूंगी, मुझे मिर्ची वाली खानी। ये देखें, ये मैंने चिकन को बहुत बारीक काट लिया और एक मैंने ऐड किया, एक ही काफ़ी था। दूसरा मैंने खोल लिया, इसको मैं ऐसे दोबारा पैक करके फ्रीजर में रख दूंगी। इसके अंदर जी अब देखें डम्पलिंग्स चल गई हैं, नूडल्स चल गई हैं और अब मैं इसके अंदर ये धो के अच्छे तरीके से चिकन मैंने काट ली है, ये डल जाएगा और 5 मिनट में ये पक जाएगा। बड़े कुत्ते बच्चे हैं कसम से, पोंकी जाएंगे पोंकी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। तो आज मदर्स डे के मौके पे मैं आप लोग को अपनी फेवरेट लाइन सुनाती हूँ। वो कहते हैं ना, जिंदगी से बस एक दवा मांग लीजिएगा, कोई घर माँ के बगैर और कोई माँ घर के बगैर ना रहे। हम औरतों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। तो आज मदर्स डे के मौके पे मैं आप लोग को अपनी फेवरेट लाइन सुनाती हूँ। वो कहते हैं ना, जिंदगी से बस एक दवा मांग लीजिएगा, कोई घर माँ के बगैर और कोई माँ घर के बगैर ना रहे। हम औरतों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है।